विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आपको कुछ थोड़ा सा आईजीएफ के बारे में, उसकी झलकियां क्या क्या होने वाला है पूरे अगले 5 दिन में, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। आज की प्रेस मीट के बाद में हम लोग 14 तारीख को फेयर का शुभारंभ करेंगे, जो कि हम सामान्य तरीके से लाइटिंग लैंप के जरिए करेंगे, जहां पर हमारे वस्त्र सचिव श्री उपेंद्र सिंह जी IAS सेक्रेटरी टेक्सटाइल, वो उसका लाइटिंग लैंप के साथ शुभारंभ करेंगे। और उसके अलावा हमारे जो अतिथि होंगे वो पूरे लगभग 90 कंट्री से आने वाले 7,500 से 8,000 ओवरसीज बायर, इस बार इतना बड़ा नंबर एक अपने आप में ये दिखाता है कि सचमुच में इंडिया एक बहुत बड़ा सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है उनके लिए। और शायद दो चीज़ें हो गई हैं, पहली बात है कि इंडिया अपने आप में सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, दूसरा ये है कि अब आने वाले समय में इंडिया इज गोइंग टू बी द ओनली सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एंड फॉर द ऑप्टिमम सोर्सिंग फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। चाइना की जो कोविड पॉलिसी है उसके चलते इस वर्ष फिर से उन्होंने जीरो टॉलरेंस कोविड की जो पॉलिसी इख्तियार की है, अभी इस साल फिर वो जो चाइना का मेजर शो जो अक्टूबर में हमारे साथ ही लगता था, जिसका नाम कैंटून फेयर है, जिसका नाम गंजाऊ फेयर है, वो फेयर फिर से फिजिकल नहीं हो रहा है। इसलिए अधिकतर जितना भी बायर है जो पहले यहाँ से बाद में चाइना जाता था, वो सब बायर यहाँ से ही पूरी सोर्सिंग करने के बाद जा रहे हैं। यानी कि भारत में मैक्सिमम बजट यूटिलाइज होगा, मैक्सिमम नंबर का बजट ओवरसीज बायर इंडिया के अंदर भी यूटिलाइज करने जा रहे हैं। ये एक अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय में जब काफ़ी चैलेंजेस हैं। दूसरा, हमारे दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख को हमारे बीच में श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री और साथ में उनके दूसरे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, टेक्सटाइल है, वो शिरकत करेंगे। और उसका समय 2 बजे है, आप सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ उसमें जरूर आएँ, क्योंकि उस दिन हम एक फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे, जो कि पीयूष गोयल जी को पहले हम फेयर को दिखाएंगे, दिखाने के बाद हम उनके साथ सिटिंग में छोटी सी इनॉग्रेशन की प्रोसीजर रहेगा, उसमें आप सब लोगों के साथ हम उनको रूबरू भी कराएंगे। ये एक हमारा प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस समय में हम लोग बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, कई तरह की यहाँ गोष्ठियाँ होती हैं, क्योंकि इस समय पूरे भारतवर्ष से सभी निर्यातक, सभी बड़े NGO, सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप और पूरे वर्ल्ड से बड़े डिजाइनर्स, ट्रेंड फोरकास्ट के लोग, ये सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। ये अपने आप में उन सबके लिए एक महाकुंभ के नाते इस फेयर का शुभारंभ होता है, और इस महाकुंभ में सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी बात बताने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। ऐसे में हम बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसे में हम फैशन शो जो एक्टिविटी एरिया में होगा हॉल नंबर 9 में 12 बजे और 4 बजे, 2 फैशन शो प्रतिदिन होंगे, उसका आयोजन करेंगे। और इसके अलावा पैनल डिस्कशन होंगी, नेट जीरो जैसे ऐसे सेमिनार भी होंगे, ट्रेंड फोरकास्ट के भी सेमिनार होंगे। इसी दौरान हम लोग कुछ स्टेट्स के अधिकारियों को, कुछ स्टेट्स की विभूतियों को भी यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद जी आ रहे हैं, वहीं राजस्थान से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इंडस्ट्री के हेड वीनू गुप्ता जी IAS वो आएंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हेड भी अपनी टीम लेकर के आएंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पूरी जो है यहाँ उसमें उपस्थित होगी, और मध्य प्रदेश को खासतौर पर हमने आमंत्रित किया है
जिसके जरिए मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये उनका फुल फेज कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी एक कद्दावर नेता है वहाँ के मध्य प्रदेश के, वो यहाँ रहेंगे और यहाँ आकर के वो इन बातों की संभावनाओं की लोगों से डिस्कशन करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के क्राफ्ट को वहाँ से चंदेरी होती है, वहाँ से जो बाकी चीज़ें हैं भाग प्रिंट हैं और वहाँ महेश्वरी है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ के क्राफ्ट हैं, उनको कैसे यहाँ आगे आने वाले टाइम में इंडिया में और अब्रॉड पूरे में प्रमोट किया जाए, तो ये सब चीज़ें यहाँ रहेंगी। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कवरेज दें और हमारे बीच में आप सब लोग रहें। इसके अतिरिक्त जो वैलिडिट्री एड्रेस है, 18 तारीख को हम लोग बेस्ट डिजाइन बूथ का अवार्ड, अजय शंकर मेमोरियल अवार्ड और बाकी दूसरे अवार्ड देंगे, जिसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट दर्शना वी जोश, जो हमारी MOS है पीयूष गोयल जी के बाद नंबर 2 पर जो है मंत्रालय में, वो हमारे बीच में रहेंगी और 18 तारीख को उनके साथ हम लोग यहाँ रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ जिन लोगों ने अपने बूथ्स को बड़े अच्छे तरीके से बनाया है, उसमें समय लगाया है, तो लोगों को आकर्षित किया है, वो वहाँ आप आएँ, उनको कवर करें, उनको बारे में बताएं। इस